हाँ जी, तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद, आज मैं बात करने वाला हूँ आर कॉम आर पावर के रिलेटेड कंपनी आर इंफ्रा के बारे में। तो चाहे आप शेयर होल्डर हो आर पावर या आर इंफ्रा के, तो आपको शेयर न्यूज़ सुननी चाहिए। मैं थंबनेल यूं ही नहीं लगाया आर कॉम के ऊपर, क्यों लगाया हूँ मैं थंबनेल वो इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, क्योंकि जो न्यूज़ आई है वो बहुत ही खतरनाक आई है। रिलायंस इंफ्रा रेज 550.56 करोड़ थ्रू प्रोफेशनल अलॉटमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी। तो उसके थ्रू रिलायंस पावर जो इंफ्रा है वो अब फंड रेज करने वाला है रिलायंस पावर के बाद। तो उसके रिलेटेड न्यूज़ आई है तो उसको मैं बताना चाहूँगा। तो रिलायंस इंफ्रा इज डेवलपिंग प्रोजेक्ट थ्रू अ वेरियस स्पेशल प्रपोज व्हीकल SPV इन द सर्वल हाई ग्रोथ ऑफ सेक्टर सच एज पावर, रोड, मेट्रो, रेल, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस ऑफ डिफेंस सेक्टर। तो जैसे आप देख रखते हैं पावर, वो जो फंड रेज क्यों किया है, क्योंकि जो उनको डेवलपिंग प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसे चाहिए, वो पैसा क्यों है, स्पेशल पर्पज ऑफ व्हीकल्स इन सर्वल हाई ग्रोथ सेक्टर, उसके रिलेटेड उनको चाहिए। उसके अगर आप आगे न्यूज़ पढ़े तो रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड ऑन मंडे सेड इट वॉज रेज 550.56 करोड़ थ्रू अ बेसिक इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोफेशनल बेसिक पोस्ट अलॉटमेंट ऑफ होल्डिंग। द प्रमोटर ग्रुप इन द रिलायंस इंफ्रा वुड इंक्रीज 22.06% अपॉन फुल कंजर्मेशन ऑफ वॉरेंट्स, द कंपनी सेड इन ए स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के अंदर कंपनी ने कहा कि अब वो रेज कर रही है फंड कंसेंट ऑफ अप्रूवल। अगर मैं आपको बात करूँ आर कॉम और की उनकी जो शेयर प्राइस दिखाऊँ मैं आपको इन वीडियोज़ के अंदर, तो आप देख सकते हैं आर कॉम अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पे आर कॉम डालने से शेयर प्राइस आ चुकी है। और इसको डालने के टाइम अब मैं आपको दिखाऊं तो आज के दिन इसके अंदर लोअर सर्किट लगा है। बहुत दुख की बात है अगर लोअर सर्किट इसके अंदर लगा है। पिछले 5 दिन के अंदर देख सकते हैं अच्छा खासा जंप आ रहा था, लेकिन आज के दिन गिरावट आ गई। महीने भर में फिर एक डाउन ट्रेंड पकड़ लिया स्टॉक ने। 6 महीने के अंदर ऐसा कुछ गिरावट का सिलसिला आया ही नहीं था, और एक बार आया था तो लगभग आप देख सकते 30-40% नुकसान देके गया। और जैसे ही इसने 30% जंप देने लगा और वापस नुकसान की तरफ मुड़ चुका है, तो बहुत बुरी न्यूज़ हो सकती है इसके बारे में। और अगर आर पावर की बात करें, अगर हम आर पावर को देखते हैं, इसकी जो एक और कंपनी है आर पावर, और आर इंफ्रा को भी देखेंगे, पहले आर पावर को देख लेते हैं, तो आर पावर की शेयर प्राइस की जब बात होती है उसमें भी भारी गिरावट आप देख सकते हैं, 2% की भारी गिरावट, लेकिन कमबैक इस न्यूज़ के बाद कमबैक कर रहा है। और रिलायंस इंफ्रा की बात करूँ तो 1% गिरावट रही है रिलायंस इंफ्रा के अंदर। और यहाँ पे आप न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, 7 घंटे पहले वाली न्यूज़, 9 घंटे, 19 घंटे पहले न्यूज़, तो न्यूज़ भी आ रखी है। तो आप यहाँ देखें तो इसके अंदर तो कमबैक हो रहा है और सुबह भी अच्छा खासा खुला था, लेकिन जो आर पावर है उसके अंदर थोड़ी कमी लग रही है हमें, आर पावर के अंदर और आर कॉम के अंदर थोड़ी कमी लग रही है। बाकी इधर देख सकते हैं आप, चाहे आर पावर सर्च करें उसके अंदर भी आता है आपको कि आर इंफ्रा का। तो इसके रिलेटेड मैं इसलिए न्यूज़ बनाया था कि मुझे पता था ये सारी कंपनी इंटरलिंक है। तो आज का वीडियो इतना ही था, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।